नमस्कार, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑडियो आर्टिकल के अंतर्गत पंचायती राज का एक समग्र विश्लेषण देखेंगे। इस ऑडियो आर्टिकल के अंतर्गत हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, साथ ही इसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली क्या है और 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम में इसकी क्या मुख्य विशेषताएं शामिल हैं, साथ ही इस व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की क्या स्थिति है और वर्तमान में इसके समक्ष क्या चुनौतियां उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। सबसे पहले देख लेते हैं इसका एक परिचय। भारत गांव में बसता है, इस तरह से ग्रामीण विकास के अभाव में किसी देश के विकास की कल्पना अधूरी सी है। भारतीय गांव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी पंचायतों का महत्व बताते हुए कहा था कि सच्चा लोकतंत्र वही है जो निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी पर आधारित हो। आइए अब देखते हैं कि पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। वैदिक काल में पंचायतों का अस्तित्व था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे और उत्तर वैदिक काल में भी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से राजा ग्राम पर शासन करता था। कौटिल्य ने भी ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है। अर्थशास्त्र का ग्रामिक ग्राम का प्रमुख होता था जिससे अनेकों अधिकार प्राप्त थे। गुप्त काल में भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसके प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। हर्ष ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया। उसके समय में राज्य भुक्ति यानी प्रांत, विषय यानी जिला और ग्राम में बटा हुआ था। 9वीं और 10वीं शताब्दी के चोल और उत्तर मल्लूर शिलालेखों से पता चलता है कि दक्षिण में भी इस व्यवस्था यानी पंचायती व्यवस्था उपस्थित थी। अंग्रेजी शासनकाल में पंचायत व्यवस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंची और यह व्यवस्था लगभग छिन्न भिन्न हो गई थी। हालांकि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय सुशासन को हस्तांतरित विशेष सूची में रखा गया। वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। आजादी के बाद 1959 में पहली बार बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक या तहसील या तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांव में ग्राम पंचायत की अनुशंसा की गई। आइए अब देख लेते हैं इस व्यवस्था के क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए। संविधान में भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 से 243O को जोड़ा गया और संविधान में 11वीं अनुसूची का प्रावधान कर पंचायत के गठन, पंचायतों के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण और पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए। पंचायत व्यवस्था के संबंध में भाग 9 के अनुच्छेद 16 में इस प्रकार कुछ प्रावधान किए गए। पहला, पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होनी चाहिए। इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा। दूसरा प्रावधान, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उनमें द्विस्तरीय पंचायत जिला स्तर और गांव स्तर पर गठन किया जाएगा और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा प्रावधान है, सभी स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा हर 5 साल में किया जाएगा। गांव स्तर की पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अगला प्रावधान है, पंचायत के सभी स्तरों पर एससी और एसटी के सदस्यों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण होगा। और अंतिम प्रावधान है, सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा लेकिन इनका विघटन 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है, लेकिन विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना भी जरूरी होगा। आइए अब समझते हैं कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है। पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी पंचायतों और ग्राम गणराज्यों की वकालत की थी। आजादी के बाद से समय समय पर भारत में
पंचायतों के कई प्रावधान किए गए और 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ इसको अंतिम रूप प्रदान किया गया। अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था प्रदान करना था, जिसमें शामिल है ग्राम स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत। अब समझते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी कहते हैं, जिसका प्रधान सरपंच होता है। सरपंच का निर्वाचन मुखिया की तरह ही प्रत्यक्ष ढंग से होता है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष है। उसे कदाचार, अक्षमता या कर्तव्यहीनता के कारण सरकार द्वारा हटाया भी जा सकता है। अगर 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दें तो सरकार सरपंच को हटा सकती है। सरपंच का प्रमुख कार्य ग्राम कचहरी का सभापतित्व करना है। कचहरी के प्रत्येक तरह के मुकदमे की सुनवाई में सरपंच अवश्य रहता है। सरपंच ही मुकदमे को स्वीकार करता है और मुकदमे के दोनों पक्षों और गवाहों को उपस्थित करने का प्रबंध भी करता है। वह हर मुकदमे की सुनवाई के लिए 2 पंचों को मनोनीत करता है। ग्राम कचहरी की सफलता बहुत हद तक उसकी योग्यता पर निर्भर करती है। अब देखते हैं कि पंचायत समिति क्या है। बलवंत राय समिति की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज के लिए प्रखंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर ग्राम सुशासन की व्यवस्था की गई। प्रखंड स्तर पर गठित निकाय पंचायत समिति कहलाता है। प्रत्येक प्रखंड यानी ब्लॉक में एक पंचायत समिति की स्थापना होती है, जिसका नाम उसी ब्लॉक के आधार पर रखा जाता है। राज्य सरकार को पंचायत समिति के क्षेत्र को घटाने और बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं कि जिला परिषद क्या है। प्रत्येक जिला में एक परिषद होगी, साथ ही इस परिषद के निम्न के सदस्य भी होंगे, जिसमें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक सदस्य जिला परिषद क्षेत्र की यथासंभव 50,000 की जनसंख्या के निकटतम का प्रतिनिधित्व करेगा। निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिला अधिकारी द्वारा निश्चित की जाएगी और प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। साथ ही जिले के सभी पंचायत समितियों के प्रमुख भी इसमें होंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जो जिले के किसी भाग या पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हो और जिनका निर्वाचन क्षेत्र जिले के अंतर्गत पड़ता हो। इसके अतिरिक्त राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो जिले के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो। आइए अब देख लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता के अंतर्गत ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और ऐसे काम कर सकती है जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है। अगली विशेषता, प्रावधानों के अनुरूप ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाएगा। अगला बिंदु, एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन 20 लाख से अधिक की आबादी वाले स्थान पर नहीं किया जा सकता। अगला बिंदु है, पंचायत की सभी सीटों को पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि हर निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात समान हो और सभी पंचायत क्षेत्र में भी समान हो। अगला प्रावधान है, राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर या जिन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है वहां जिला स्तर के पंचायतों में पंचायतों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगली विशेषता है, महिलाओं के लिए आरक्षण। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए कुल सीटों में 1/3 से कम सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए। इसके प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाएगा और महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। आइए अब समझते हैं कि भारत में शहरी स्थानीय निकाय किस प्रकार का है। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे प्रत्येक राज्य में इनका गठन किया जाना चाहिए, नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम। अगला बिंदु है, नगर पालिका की सभी सीटों को वार्ड के रूप में जाने वाले नगर पालिका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुने गए व्यक्तियों से भरा जाएगा। अगली विशेषता है,
राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका प्रशासन में विशेष जानकारी या अनुभव वाले व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों और राज्य के विधानसभा के सदस्यों, राज्य के परिषद और विधान परिषद के सदस्यों को, साथ ही अनुच्छेद 243S के खंड 5 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसके अलावा वार्ड समिति का गठन करना इसकी अगली विशेषता में शामिल है। साथ ही प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए कुल सीटों की एक तिहाई से कम सीटें आरक्षित नहीं की जाएंगी। राज्य विधि द्वारा नगर पालिकाओं को सुशासन वाली संस्थानों के तौर पर काम करने में सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य शक्तियां अधिकार दे सकता है। इसके साथ ही राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को कर लगाने और ऐसे करों, शुल्कों, टोल और फीस को उचित तरीके से इकट्ठा करने को प्राधिकृत कर सकता है। साथ ही प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा ताकि पंचायतों और जिलों की नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को लागू किया जा सके और समग्र रूप से जिले के लिए एक विकास योजना का मसौदा तैयार किया जा सके। अंतिम विशेषता है राज्य विधानमंडल विधि द्वारा महानगर योजना समितियों के गठन के संबंध में भी प्रावधान कर सकता है। अब देखते हैं कि शहरी स्थानीय निकाय के 8 प्रकार क्या क्या हैं। इसमें पहला नगर निगम है, अगला नगर पालिका, फिर आता है अधिसूचित क्षेत्र समिति, अगला है शहर क्षेत्र समिति यानी टाउन एरिया कमेटी, फिर छावनी बोर्ड, अगला टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और विशेष प्रायोजन एजेंसी। अब देख लेते हैं कि पंचायती राज की आवश्यकता और महत्व क्या है। भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं की स्थापना करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथों में चली जाती है। इस व्यवस्था द्वारा देश की ग्रामीण जनता में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि भी बढ़ती है। इसके साथ ही पंचायतों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी स्थानीय समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के मध्य की कड़ी है। इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारंभ राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों का चलना मुश्किल हो जाता है। पंचायती राज संस्थाएं विधायकों और मंत्रियों को राजनीति का प्राथमिक अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान कर देश का भावी नेतृत्व तैयार करती है। इससे राजनीतिज्ञ ग्रामीण भारत की समस्याओं से अवगत होते हैं। इन समस्याओं के माध्यम से जनता शासन के अत्यंत निकट पहुंच जाती है। इसके फलस्वरूप जनता और प्रशासन के बीच परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है, जो कि भारतीय उत्थान के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच स्थानीय समस्याओं का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासनीय सत्ता गिनी चुनी संस्थाओं में न रहकर गांव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुंच जाती है। साथ ही साथ पंचायतें लोकतंत्र की प्रयोगशाला हैं। ये नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा भी देती है, साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में भी सहायता प्रदान करती है। आइए अब पंचायती राज व्यवस्था का एक समीक्षात्मक मूल्यांकन देख लें। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 में विकेंद्रीकृत रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसे पंचायतों को सशक्त करने के लिए 100 अंक प्रदान किए जाएं। अधिकतर ग्राम पंचायतों के पास उनके अपने कार्य भवन नहीं है और कईयों में कर्मचारियों का भी अभाव है। कुछ राज्य जैसे कि केरल, कर्नाटक में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल 29 विषयों में से 22 से 27 विषयों का हस्तांतरण पंचायतों को किया गया है, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश में केवल 4 से 7 विषयों का हस्तांतरण ही किया गया है। राज्य सरकारों में पंचायतों को मजबूत करने की राजनीतिक दृढ़ता का अभाव भी है। इन सबके बीच और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, जिससे पंचायती राज के चरम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में पंचायत और नगर पालिकाओं में 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लगभग 1 लाख सरपंच अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं। देश के सभी राज्यों में से केरल और कर्नाटक में पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति काफी अच्छी है। अब समझते हैं कि इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति क्या है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण को प्रभावी तरीके से हासिल किया गया है। विश्व की तुलना में भारत में सर्वाधिक महिलाएं स्थानीय निकायों में चुनी गई हैं। संविधान ने पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण की व्यवस्था की है।
पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार महिलाओं का प्रतिनिधित्व 42% तक बढ़ा है। इसके द्वारा लिंग संबंधी समीकरणों में नाटकीय रूप से परिवर्तन हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व की रूपरेखा भी बदली है। साथ ही साथ पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी के साथ साथ महिला एवं सहायता समूह के आंदोलनों ने भी महिला आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। आइए अब समझते हैं कि वर्तमान में पंचायती राज संस्थान के समक्ष क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं। पंचायती राज संस्थान कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन ये संस्थान अपेक्षा के अनुरूप प्रभावी प्रदर्शन करने में असफल रहे हैं। नियमित अंतराल पे पंचायतों का चुनाव ना होना, लंबे समय तक अधिक्रमण, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, महिलाओं जैसे पिछड़े वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अधिकारों का अस्पष्ट विभाजन और वित्तीय संसाधनों की कमी पंचायती राज की प्रमुख चुनौतियों में से है। पंचायतें अपने विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार के फंड पर निर्भर होती है, जबकि कई बार राज्य सरकारें इस समय पर प्रदान नहीं करती हैं। इस तरह वित्तीय संसाधनों के लिए पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भरता होने के कारण स्थानीय प्रशासन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती और राज्य सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करती है। अगली चुनौती के रूप में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में सुधार का प्रावधान किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया जा सके, लेकिन स्थानीय सुशासन और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधनों की कमी और राज्य सरकार पर आत्मनिर्भरता की वजह से समस्याएं अभी तक नहीं सुलझ पाई हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती गाँव की पारंपरिक सामाजिक संरचना भी है। चुनाव में आरक्षण द्वारा चयनित प्रतिनिधियों को सामाजिक स्वीकार्यता की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। समाज में कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए चयनित प्रतिनिधि और समाज के किसी वर्ग विशेष के नेता के बीच विवाद उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे में SC/ST और महिला प्रतिनिधियों के बीच नेतृत्व क्षमता विकसित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके साथ ही साथ इन व्यवस्थाओं के तहत अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बना पाना बहुत मुश्किल काम है। दोनों के बीच कटु संबंधों के कारण कई स्थानों पर विकेंद्रीकृत संस्थाओं के निष्पादन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में अभी भी विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मानव संसाधनों की कमी भी देखी गई है। अब देख लेते हैं कि इन चुनौतियों को देखते हुए वर्तमान में इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय के रूप में ग्राम पंचायत को केवल तभी मजबूत किया जा सकता है जब जमीनी स्तर पर उपजे असंतोष को दूर करने का प्रयास किया जाए। विकेंद्रीकृत योजना को मूल उत्पादक संसाधनों के पुनः वितरण का लक्ष्य पूरा करना चाहिए ताकि वंचित वर्ग को सशक्त बनाया जा सके। साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए। इन संस्थाओं के पास अपने स्वयं के संसाधन विकसित किए जाने चाहिए ताकि वे अपने वित्तीय संसाधनों को या साधनों में वृद्धि करके अधिक स्वतंत्रतापूर्ण अपने वेग अनुसार कर्तव्य का निर्वहन कर सके। अगला उपाय है बजट के साथ साथ पंचायतों के कार्यों का सामाजिक ऑडिट भी होना चाहिए जिससे कि उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इन संस्थाओं के चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर होने चाहिए। ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं में लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर जिला स्तर पर योजनाएं बनाई जाएं। 2005 में वी रामचंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर जिला स्तर पर योजनाएं बनाई जाएं। 2005 में वी रामचंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने इससे जुड़ा हुआ एक परिपत्र निकाला था, लेकिन ये नाकाम रहा। साथ ही कर्नाटक का उदाहरण लेते हुए भी पंचायत अधिकारियों का अलग कैडर बनाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आखिर में पंचायती राज संस्थाओं को अकारण ही समय अवधि से पहले ही भंग करने की राज्य सरकारों की प्रवृत्ति से भी बचाना होगा। हमें उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा, साथ ही आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ये सहायक भी सिद्ध होगा। किसी प्रकार की क्वेरी या सवाल हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। निर्माण IAS के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।